भाइयों जॉन डियर 50-50D खेत में चलता हुआ। बढ़िया काम कर रहा है जॉन डियर। राम राम। सातपुटा रोटा बैठा रहा शक्तिमान का। 14-28 के टायर है भाइयों इसमें। भाइयों ये अमरपाल सैनी का ट्रैक्टर है। इनके पास में 3 ट्रैक्टर हैं। जॉन डियर 50-50D नया लिया था। एक महिंद्रा 575 है, एक है पावर ट्रैक 439 शायद वही है। तो भाइयों 3 ट्रैक्टर खर्चा झेला मालिक, कमाल देखिए आप। लोग कहते हैं जॉन डियर तेल ज़्यादा खाता है, मैं मालिक से अभी बात करूँगा आपके चक्कर में, ज़्यादा खाता है कम खाता है पावर ट्रैक और महिंद्रा के मुकाबले क्या एवरेज है इसका मालिक बताएगा आपको स्पष्ट बात। भाइयों आप ट्रैक्टर की चाल देख रहा कितना अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर कुल का, बिल्कुल कितने RPM पे चल रहा है ये बात ही मैं मालिक से करूँगा। किसान भाई ने गन्ना काट दिया, अब इसमें गेहूँ बोए जाएंगे, गेहूँ की तैयारी है। देखो ट्रैक्टर खुल के चल रहा है, बिल्कुल नहीं दब रहा। नुकर शक्तिमान का रोटर वोटर कैडा चलता है, कहाँ चल रहा कैडा भाइयों। देखो थोड़ा बहुत तो लोड बढ़ रही है सब पे ही, सब खुल के चलते हैं। अमरपाल ये ट्रैक्टर कितने घंटे चला दिया होगा, मीटर खराब हो रहा क्या, कत चल गया कितने घंटे चल गया। अच्छा गिर में काटिए, मैं देखूँगा कहाँ डाल कहाँ मीटर 5839। तो ये जो है इसका तेल खर्च कुछ ज़्यादा है, देखो तेल ज़्यादा खावे जॉन डियर है, सात तो लेवल लेकिन और के मुकाबले ज़्यादा है। महिंद्रा है जैसे वो है वो तो कब भी ज़्यादा कर दे तो तेल ज़्यादा कहाँ खाए, फिर तो काम कर रहा है। तो भाइयों किसान ने बताया काम भी करता है, ऐसी बात नहीं कोई ट्रैक्टर तेल फालतू नहीं खाता, काम के हिसाब 7 लीटर बताया तो 7 लीटर की जुताई भी करता है भाई। ये देखो चाल देखो, इसका दूसरे गियर में होगा मेरे ख्याल में। आप चाल देखिए ट्रैक्टर की, बहुत बढ़िया चल रहा है, लोड बिल्कुल नहीं मान रहा ना RPM तोड़ रहा। देखो 100 रुपये वो RPM तो हर एक ट्रैक्टर तोड़ देता है जब क्लिच छोड़ते हैं। हम डेमो को ले लाए थे एक बार 855, तो वो 50 एम्पियर तोड़ता था। सोनाली का सबरा 744 100 RPM तोड़ता था, हमारा मैसी 100 RPM तोड़ता है। जो 50 HP ज़्यादा के हैं ना वो 50 RPM तोड़ते हैं, और जो उससे थोड़े के हैं या 50 के हैं वो 100 तो तोड़ते हैं। बाकी ट्रैक्टर में कमी कुछ नहीं, 50-50D हो 50 HP का ट्रैक्टर है भाइयों। अगर तेल ज़्यादा पीता तो मालिक बदल दे तब लो, इसके पास में पावर ट्रैक भी है और महिंद्रा 575 भी है, ऐसी बात नहीं है। तो भाइयों ट्रैक्टर कोई भी और रख रखाव की बात है, एक ज़्यादा रेस पे मत चलाओ, ज़्यादा रेस पे चलाओगे तो ज़्यादा तेल तो खाओगे ही, फिर आदमी हिसाब नहीं लगाता कि किस जुताई कितनी कर दी, बस RPM को उसे कहते हैं, तेल को देखते हैं। भाइयों मुझे तो ट्रैक्टर बढ़िया लगा, 1500-1600 RPM से ज़्यादा मत चलाओ अपने ट्रैक्टर को, कभी भी तेल ज़्यादा नहीं खाएगा सच्चाई। अगर आप 2022 पे चलाओगे तो फिर तो भाई तेल घूमटो पीऊगा, काम तो करेगा लेकिन काम कोई नहीं देखता, सब तेल को देखते हैं भाइयों, तेल का सब हिसाब लगाते हैं। ये देखो 50-50D जॉन डियर ट्रैक्टर है, रोटावेटर पर जब चल रहा है ना RPM तोड़ रहा, बहुत अच्छी चाल है ट्रैक्टर की भाइयों।
जो बखेर दिया नहीं, जो बखेर दिए, जो बखेर अभी नहीं। क्या शानदार आवाज है भाई। उस वक्त टूटा रोटा बैठ रहा, देखो सोनाली का, उसका शक्तिमान कंपनी का अमरपाल जो है किराया करता है, पूरे गांव में चलता रहता है ट्रैक्टर इसका। अगर ट्रैक्टर तेल ज़्यादा खत्ता तो भाइयों क्यों रोकता इस ट्रैक्टर को। जिस तरह ट्रैक्टर चल रहा है इस हिसाब से ये घंटे में 6 पीके निकाल लेगा आराम से। अगर 6 लीटर तेल भी खाया तो लीटर पीके का होगा, लीटर पीके का कोई ज़्यादा एवरेज नहीं होता भाइयों। भाइयों अमरपाल के पास में अपने घर की 2-3 बीघे ज़मीन है, 2-1 बीघे ने मोल भी खरीदी ट्रैक्टर से कमा के ही। तो भाइयों आप क्यों हताश होते हो, आप भी अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, कोई हिल्ला भी नहीं है, प्राइवेट नौकरी में इतना इनकम नहीं मिलती, तो भाइयों फिर ट्रैक्टर बना सकते हैं। 1-2 लाख का तो आपका बजट होगा ही, हर किसी का रहता है, आप रूल पुल करके आदमी कर लेते हैं, तो प्राइवेट फाइनेंस भी हो रहे हैं। तो भाइयों हमारे पालना शुरू में एक ट्रैक्टर बनाया था, आज मालिक के पास में 3 ट्रैक्टर हैं, 2 बेटे हैं इसके, दूसरे के पास में 1 JCB है, 2 ट्रैक्टर हैं, बड़े लड़के इस पास में वो लग रहता है, छोटा लड़का इसके साथ में ही है, 3 ट्रैक्टर हैं अपने, लान की मशीन भी 2.5-3 लाख रुपये की। तो भाई ये मेहनत का तो फल है, एक तो खाने के लिए नाज हो जा थरेसर से, एक ट्रैक्टर से अपना हिल्ला लगा रहे भाइयों, कहीं बाहर नहीं जाना, गाँव के गाँव में हिल्ला करना। अब देखो अब दुबई में चल रहा है ट्रैक्टर इसका, तो भाइयों आप भी अगर आपके पास कोई जरिया नहीं है काम करने का तो ट्रैक्टर बना सकते हैं। कम से कम मेरे विचार से 50 HP से कम तो ट्रैक्टर रखना बेकार है, 45 तो कम से कम है, नूले ले 35 पावर का ले लिया, 35 का फिर रोटावेटर नहीं खींचता हुआ वॉल जा फिर हो जाओ उसमें। ये 35 के तो उनके हैं जो किसान किराया नहीं करते हैं, जिसे किराया करना वो 45 पावर से कम तो रखे ना बिल्कुल भी, 45-50-60 भी ले सकते हैं। बहुत से भाइयों ने महिंद्रा पे इंटर पे कैंटर के इंजन लगवा रखे 90 पावर के भी कामयाब है। तो भाइयों वो कैंटर के इंजन तो 1200 RPM पे पूरा काम करता है, ना वो लोड मानता ना वो तेल ज़्यादा खाता। तो भाइयों मेरी राय तो ये है, आप का बजट हो तो नया बना ले, या आप कैंटर का इंजन रखवा सकते हैं, वो तो 1.5 लाख में तैयार हो जा भाइयों। ये होनी कि आप 1 में तैयार हो जाएगा, 40-50 हज़ार का इंजन आओगा, कम से कम 1 लाख का ट्रैक्टर भी आओगा, 50 हज़ार में ऊपर लगेंगे बढ़िया करवाने में, जुगाड़ बाजी लाइट वगैरह वायरिंग फिटिंग टैट टपड़िया जो भी हैं आधे उखाड़े जैसे मिलेंगे आपको। तो आपको रोज़गार मिल जाएगा। कुछ भाई जो हैं ज़मीन भी कम है, बच्चों को अफसर बनाना चाहते हैं, कि सब बच्चे तो अफसर नहीं बन पाते भाई, वो तो अपने नसीब होता है, लेकिन मेरा ये तो यह है बच्चे को थोड़ा बहुत काम कराएं। हमारे गांव में कई आदमी ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन बहुत थोड़ी है, उन्होंने 12 बालक ना भेज कर घर में हिले दे दिए, ट्रैक्टर बना के दे रखे हैं, 4 लड़के 4 ट्रैक्टर दे रखे, 6 बालक है 6 ट्रैक्टर दे दिए, तो किसी ने एक ट्रैक्टर बना लिया, वो किराए भी करते हैं बेचारे उस किसी भी तार लें, और परिवार का गुजारा भी होता है, उन्हें अनाज भी नहीं खरीदना पड़ता, अनाज भी अपना कढ़ाई का आ जाता है उनके पास में। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मैं चलता हूँ। देखिए भाइयों मैं स्पेशल इसलिए आया था कि जॉन डीयर तेल ज़्यादा खाता, लेकिन नहीं, अगर ज़्यादा खाता तो किसान क्यों रोकता इस ट्रैक्टर को, अब से पहले भेज देता। किसान ने ये 5800 घंटे चला दिया, नवा लिया था 50-50D। भाइयों जैसा तेल खाता है ऐसा काम भी करता, देखो दूसरे में चला दिखा, दूसरे गियर में शायद ये लोग दूसरे में चाल टीलर के बराबर हो रही इसकी। दुबई में ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री चल रहा है, आप देख सकते हो इसकी आवाज़। चाल देखिए आप ट्रैक्टर की, बिल्कुल फ्री चल रहा है। इस वीडियो में भाइयों इतना काफ़ी है, नमस्कार।